हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, आपने 2 बार फोन लगाया मुझे। अरे आप कौन बोल रहे हैं भाई? आपका फोन आ रहा था। अहमद अहमद बोल रहा हूँ, अहमद अहमद बोल रहा जी भाई बताइए। हूँ। हाँ, आपकी रिकॉर्डिंग सुनी मैंने जी यार। एक तो सलाम, खड़े होकर सलाम कर पढ़ना बिदअत बना है। दूसरा यह कि यार रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो ये कैसे आप बताओ, साबित करो। आपकी जो तो रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें बहस हुई खाली, साबित कुछ भी नहीं हुआ। दोनों रिकॉर्डिंग में आपने कुछ बताया ही नहीं, मैं फोन काट गया। आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी मैंने, तो क्या तो जानना है आपको? आप बताइए। सलाम पढ़ना तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझको सलाम भेजो। ठीक है, तो आप सलाम पढ़ते हैं जुम्मे को खड़े होके, तो आप और फजर के वक्त खड़े होके, तो आपके कुछ लोग उसको बोलते हैं गाना गाते हैं। गाना कैसे हुआ गाना? और दूसरी चीज ये है कि सलाम नहीं पढ़नी चाहिए ऐसे खड़े होकर, साबित है जी ये बताइए। मतलब भाई, ये आपने वाकई समझने के लिए फोन किया है या खाली ऐसे बहसबाजी के लिए किया है? नहीं, वो बहस तो बहसबाजी करनी बहसबाजी तो आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली ना, बहस हुई थी। मैं बहस इसीलिए मैंने आपसे करनी पहले होती पूछ तो लिया कि अगर आपको वाकई समझना है तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दे रहा हूँ एकदम आसानी से। छोटा सा मसला है, और बहसबाजी करना है तो बहस में तो फिर मेरे में बात बहुत आगे लंबी चली जाएगी ना। आप हमारी मानोगे, ना हमारी सुनोगे, ना हमारी समझोगे। बहस नहीं, आप समझाओगे तो वो डिस्कस होगी, बहस नहीं होगी। जी जी बहस तो ये है कि आप वो तू थोड़ा आठ में गाली गलोच, वो मामला मामला नहीं चलेगा, कोई जी हिसाब नहीं है। माशाल्लाह मैं डिस्कस होगी बस आपस में, जी। देखिए, आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी के ऊपर कैसे हमको भाई पढ़ना है सलाम, कैसे भेजना है दुरूद, ये अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को बता दिया, और सहाबा इकराम ने वैसा करके हमको बता दिया। तो अब हम जब मेरे भाई तमाम हदीसें खोल के देखेंगे, दुनिया में एक भी हदीस ऐसी नहीं है कि सहाबा इकराम खड़े होके फजर के बाद इकट्ठा सब लोग अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो जो सलाम होता है, दुरूद होता है, उसको पढ़ते हो, ना ही जुम्मे वाले दिन। ठीक है, मदीना रुख होके अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद सलाम भाई किसी सहाबी ने आज तक नहीं भेजा। तो हम ये कहते हैं कि जो दीन है वो हमसे ज्यादा अच्छा समझा है हमारे भाई प्यारे सहाबा इकराम ने। क्यों? क्योंकि सहाबा को समझाने वाले आज के जो आलिम है, आज के आलिम नहीं थे, वो तो अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह हाँ, के रसूल ने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद व सलाम नमाज की हालत में दिन में 5 बार भेजते थे, कायदे में बैठ के अत्तयात में। ठीक, तो इस तरीके से ता कयामत तक हमें भी भेजना है। लेकिन अब अगर कोई अपनी अक्ल लगा ले और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले उर्दू में सलाम पढ़ना स्टार्ट कर दें, और कोई अमेरिका में हो वो इंग्लिश में भाई वो भेजना स्टार्ट कर दे, कोई फारस में हो तो वो फारसी में सलाम भेजना स्टार्ट कर दे, कोई चाइना में हो तो वो चाइना में भेजना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा मेरे भाई दुरूद व सलाम हम कहते हैं ये इंसानों का बनाया हुआ है, ये अल्लाह और अल्लाह के नबी ने आप नहीं दिया है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम हाँ अलैका, इस टाइप से भाई उसको एक मतलब फॉर्म में गाना। ठीक है, उसको एक फॉर्म में गाना, फ्लो में गाना, वो भी उर्दू में, जो अल्फाज अल्लाह के नबी ने सहाबा को नहीं सिखाए उन अल्फाज को आज हम मतलब हम दीन बना के भेज रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई ये दीन में आप एक नई इजाद है। ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सहाबाओं की जो तो बोली थी ना उस वक्त, वो अरबी थी, खालिस अरबी। ठीक है, और
आप इंडिया में हो तो आपकी बोली होगी हिंदी, ठीक है। अब आप आपको अपना जज्बा जाहिर करना है तो आप हिंदी में भी सलाम पढ़ सकते हो। और सलाम के लिए तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं फरमाया कि नमाज के अलावा सलाम मत पढ़ना। और आप जैसे बोलते हो ना बिदअत कुल्लुल बिदअतिन, वो आप पढ़ते हो ना कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, आप बोलते हो ना जिस बिदअत बोल दी तो बिदअत है, सही गलत अच्छी बुरी भी बिदअत बिदअत होती है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मेरे पर सलाम भेजो, तो सलाम कैसे भी भेजो लेकिन दिल से भेजो, जज्बात से दिल से भेजो, अपने जज्बात जारी करना। ये नहीं, ये दिन में नहीं चलेगा, कैसे भी भेजो। ये जैसे इसको अरबी नहीं आती होगी तो वो सलाम ऐसे ही पड़ेगा ना, कहना मतलब है। देखिए दीन में कुछ अरकान है जो भाई खालिस अरबी में है, जैसे हम कहीं पे भी रहते हो अजान हम देंगे तो सिर्फ अरबी में देंगे, अगर नमाज पढ़ेंगे तो अरबी में पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब अल्लाह के नबी के ऊपर हम भेजेंगे दुरूद तो वो भी अरबी में ही भाई हम भेजेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे जो अफजल दुरूद है वो है दुरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बरकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये जो है ये सबसे अफजल है जो सहाबे अकराम पढ़ते थे। तो मतलब इसके अलावा नहीं पढ़ सकते हैं? इसके अलावा अगर आप भाई अल्लाह के नबी का नाम आया तो आप उसमें भी अरबी में ही पढ़ेंगे, आप समझ रहे हैं। अब कोई आपके सामने कहे आपके जो नबी हैं उन्होंने फरमाया मोहम्मद, तो जैसे मोहम्मद आएगा वैसे हमको अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद भेजना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक। अब अगर हम इसको अब अगर हम भाई इसको अपने मतलब गाना गा के बोलने लगे या मोहम्मद का नाम आया तो मतलब हम गाना गाने लगे, ये गलत चीज है ना। गाना नहीं है, आप गाना समझिए, गाना बोलते ही गलत। गाना गाना ही रहेगा भाई, अब आप उसको मेरे भाई गाना ना कहो, उसको मेरे भाई आयत बना दो कुरान की तरह। ये हिंदी में सलाम है, हिंदी में उर्दू में सलाम है, ठीक है। उर्दू हिंदी में है ना, तो अगर हम लोग कहते हैं कि भाई भाई ये साबित भाई ये नहीं है तो आप लोग फिर ये इल्जाम लगाना छोड़ दो कि नहीं आप पढ़ो बस पढ़ो, पर नहीं पड़ेगा। अरे वो हाँ ये जबरदस्ती तो नहीं करनी है, दीन में जबरदस्ती नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हो, दीन में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती करनी भी नहीं है। जो जबरदस्ती करते हैं भाई ये जो हिंदी वाला है उर्दू वाला है, अगर इस सलाम को भाई अपनी मस्जिदों में ना पढ़े, ठीक है, तो लोग कहते अरे ये तो नबी की तौहीन करते हैं, नबी के ऊपर मतलब भाई सलाम नहीं भेजते हैं। तो अब बताइए आपने एक खुद साख्ता अमल भाई बना लिया, ठीक। इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला ने कभी नहीं कहा कि सुबह की नमाज में फजीर के बाद या जुमे की नमाज में जुमे के बाद मदीना रुख होके सब लोग इकट्ठा खड़े होके इस तरीके से अल्लाह के नबी को सलाम पहुंचाओ। तो ये कहाँ से लेके आई ये मनमाना सलाम इस तरीके से भेजना और एक मखसूस मतलब भाई तरीका होना वक्त होना, ये तो दिन में एक काम हो गया ना नया, और दिन में हर नया काम भाई बिदअत होता है, तो हम तो बिदअत से रोक रहे हैं ना। हिंदी में पढ़ रहे हैं ना सलाम को, आपकी बात में समझ गया हूँ मैं, आपका क्या कहना चाह रहे हो कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सलाम जो हमारे सहाबा इकराम थे उनसे ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला इस पूरे रूह जमीन में कोई हो ही नहीं सकता। तो सहाबा अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करते थे और सहाबा ने नमाज की हालत में कायदे में बैठ के सलाम पढ़ा और उसको बोलते हैं अत्तियात। अब अत्तियात अगर आप भाई अरबी में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन अत्तियात का जो माना है उसको जब आप भाई उसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे
कि सबसे बेहतरीन जो भाई सलाम है वो अत्तयात में ही है। हाँ अत्तयात का जो भाई वो जो अच्छा माना है, तर्जुमा है, वो ये है कि सारी मतलब जो अत्तयात है, बंदगी है और कोशिशें हैं और अच्छी बातें हैं, वो खास अल्लाह के लिए ही है। और ए नबी, आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों, और हम पर सलाम हो, और हम अल्लाह के सब नेक बंदों पर, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये आप पढ़ हाँ ये लीजिएगा तो ये भाई, नमाज नमाज तैयार का ये तो तर्जुमा। नमाज में है, ये तो सीख से है, ये तो पढ़नी ही है नमाज में, तो पढ़नी ही है। लेकिन इसके अलावा जो ये पढ़ते हैं तो इसको आप मना करते हो, बिदत इसके बोलते अलावा हो पढ़िए ना, इसे। उठते हाँ बैठते सुबह शाम 10-10 बार जितनी बार हाँ आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आप पढ़ेंगे वो क्या? दुरूद इब्राहिम, आप पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिम, दुरूद इब्राहिम मनमाने और तरीके से नहीं पढ़ेंगे थोड़ी दुरूद। देरी वो दुरूद है। अभी क्या है, सलाम की तकसीम अलग कर दी ना, सलाम अलग होता है, बरेली क्या पता है आपको? सलाम का सलाम पढ़ते हैं ना, जैसे आपको पता है साहबाओं की पूरी जिंदगी का मामला पता है पूरा, आपने पढ़ी सीरत पढ़ ली सारे साहबाओं की, नबी की सीरत पूरी पढ़ रखी है आपने। हाँ तो बताइए ना क्या था, कौन से साहब ने मेरे पे खड़े होके सलाम पढ़ा? नहीं खड़े होके नहीं, मैं वो जैसे आप गाके बोल रहे हो ना, तो गाके ये गाना नहीं होता, ये सीधा अत्तयात अपना में हम जज्बात अल्लाह के होते हैं। नबी के ऊपर भाई हम सलामती भेजते हैं, और आमतौर पर उसको बोलते हैं सलाम। और अत्तयात के बाद जो हम पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला, तो उसको बोलते हैं दुरूद, अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद भेजना। तो कायदे अब में आप सहाबा दोनों ये काम करते थे, सलाम भी भेजते थे दुरूद भी भेजते थे। जैसे जैसे कि आपकी मस्जिद में भी नज्म नज्म पढ़ते हैं, नज्म पढ़ते हैं, नज्म कौन सी हिंदी में बात? पढ़ते हैं ना आप, अरबी अरबी में पढ़िए ना आप, फिर अगर ऐसा है तो क्या चीज? नज्म होती है ना, नज्म पहले अरबी जमात में नज्म होती है, नज्म जैसे नात होती है ना, या बरेली में नात पढ़ते हैं ना महफिल में, उसी तरह अहले अरबी जमात में नज्म होती है, नज्म की महफिल होती है, पता है आपको? नहीं पता हाँ तो नज्म हम पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? तो आप अहले वो अरबी में हदीस पढ़िए। हाँ हैं हम, ये अज़्म है हमारा, अहले हदीस हैं हम, ये तो अभी अज़्म मैं बात है सुनो, हमारा, अगर काफी है अगर सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। तो ये क्या उससे माना हुआ कि अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि इस नज्म को हम दीन बना लेंगे और इसको नमाजों के बाद सबको इकट्ठा करके काबे की तरफ देख के या मेरे भाई मदीना रुक करके इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और जो ना पढ़े हम उसको कह देंगे मतलब ये तो गुस्ताख है। तो ये हो जाता है, आपको नबी के ऊपर सलाम पढ़ना है, आप अपनी जबान में बोल दो कि अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो मतलब भाई सलामती हो। अब आप उसको इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश में भी लोग बोलते हैं ना पीस बी अपॉन हिम, देखो अच्छे जब बुरे मोहम्मद लोग का सब नाम सब होते आता हैं। है तो इंग्लिश में भाई वो बोला जाता है ना पीस बी अपॉन हिम। तो अगर आप इस तरीके से बोलना चाहो बोलो, वो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए समझाने के लिए आप इसको बोल सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, लेकिन इसको दीन नहीं बना सकते। दीन असल वही है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बताया। आप पीछे जाओ, फिर दीन है तो दिखता दिखता पीछे जाओ, जो अमल वो करते थे वो करो, फिर हाँ तो वही तो तो कर बहुत रहे सी हैं, चीजें छूटेंगी, बहुत सी चीजें छूटेंगी। नहीं कर रहे हो आप, बरगर कुछ नहीं छूटेगा। लगाते हो आप, आपके जमाने में जो आलिम बन जाता है, हाफिज बन जाता है, तो उसके पीछे आप बदर लगाते हो, हाफिजुल्ला लगाते हो, ऐसा कुछ लगाते हो जैसे क्या। हाँ ये फिक्स कर रखा आपने, ब्रदर ब्रदर हाफिजुल्ला ऐसा कुछ चीज कर रखा है, और इसके भाई अलावा देखिए, इसका इससे आगे कोई कुछ नहीं हाफिज सुना। है, आलिम है, मुहद्दिस है, कारी है, ये सब क्या है? ये सब एक उसकी मेरे भाई पहचान है, डिग्री है, सनद है। जैसे मेरे भाई अगर कोई MBBS करता है तो उसके नाम क्या क्या लगता है? डॉक्टर। अगर कोई
एलएलबी करता है तो उसके नाम के आगे इस्तेमाल होता है एडवोकेट, इसी तरीके से ये मतलब डॉक्टर एडवोकेट ये क्या है, ये उसकी पहचान है, डिग्री है। इसी तरीके से अगर कोई कुरान को याद करता है तो उसके नाम के आगे हम लोग भाई एक जो उसकी पहचान होती है, डिग्री होती है, उसको देते हैं कि हाँ भाई ये हाफिज है, हाफिज कुरान है। इसी तरीके से कोई आलिम है तो आलिम एक डिग्री है, मुफ्ती है तो मुफ्ती एक डिग्री है। इसी तरीके से जो भाई वो मुहद्दिस है, मुहद्दिस एक अलग इल्म है, डिग्री है। तो ये एक पहचान हो गई ना, अब ये बिदत हो ही ना हो गई। मैं हाफिज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ब्रदर के लिए कह रहा हूँ, ब्रदर लगता है ठीक है। हाँ तो ब्रदर जो का ये माना क्या है कुरान भाई? हदीस, हाँ लेकिन वो भाई अलग होता है पुकारना, हाँ भाई ये भाई ये भाई, वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन एक वो लकब लग गया ना, फिक्स हो गया लकब, आप बोल रहे हो ना फिक्स नहीं होना चाहिए। कहाँ से साबित है दीन में, ये कहाँ से साबित है, कौन से नहीं ये मैं नहीं कह किसने रहा हूँ फिक्स नहीं किसने होना चाहिए। करा ये। ब्रदर को कोई कह रहा है कि ब्रदर मतलब किसी साहबा ने इस्तेमाल किया या ये दीन है, लेकिन हाँ आप लोग जो सलाम पढ़ रहे हो ये तो मखसूस एक दीनी तरीका बन गया है ना, कि खास नमाज के बाद सबको जमा करके, खास मेरे भाई एक एक जगह रुक करके, मदीना की तरफ चेहरा फेर के, सब लोग इकट्ठा मिल के नबी की ताजीम में खड़े अब होके, ताजीम में तो खड़े होना अल्लाह के नबी ने खुद मेरे भाई रोका है। एक महफिल में अल्लाह के नबी आते हैं, सहाबा इकराम सब खड़े हो जाते हैं अल्लाह के नबी को देख के, अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं बैठो, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी की ताजीम हमें खड़े होके भी नहीं करना, जब नबी ने मना कर दिया कि मेरी ताजीम को खड़े होके मत करो, तो आज अल्लाह के नबी के जाने के बाद अल्लाह के नबी की तालीम को हम लोग रद्द करके अपनी अलग ताजीम में खड़े होके हम अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद सलाम भेज रहे हैं एक मखसूस मेरे भाई तरीका बना के, तो ये कहाँ से जायज हो जाएगा भाई? अगर इसकी दलील चलो ठीक, मौजूद है तो इंशाल्लाह हम खुद पढ़ेंगे ना, हम खुद चलो मेरे आपकी भाई बात या मान नबी भी ली, सलाम चलो अलैहि पढ़ेंगे। आपकी बात मान भी ली ठीक है। अभी आप भी थोड़े टेंशन में होंगे, क्योंकि आप भी शायद तक आपके भी इधर आस पास की एलर्जी मस्जिद नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत दूर होगी। जैसे कि अभी छोड़ दिया ठीक है, सलाम पढ़ना छोड़ दिया ठीक है, पक्का जाना कोई आपकी बात पर किसी ने यकीन कर लिया, उसने सलाम पढ़ना छोड़ दिया ठीक है, खड़े होके आप बोल रहे हो ना खड़े होके सीने में, तो आप क्या करेगा? वो सलाम पढ़ना छोड़ दिया, नमाज पढ़नी भी आप बताते हो वैसे पढ़ो, वो पढ़नी छोड़ दिया, वो कहाँ जाएगा आप अरे बताओगे? नमाज तो मेरे भाई सभी लोग पढ़ते हैं खड़े होके। अरे नमाज मोहम्मदी अंतिम हाँ नमाज तो अल्लाह छोड़ के दी रसूल इसने, ने फरमाया ना, मोहम्मद सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की नमाज तमाम उम्मत को बता दी कि अल्लाह के नबी ऐसे नमाज पढ़ते, ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करते। तो आज की तारीख में हमें भी वैसे ही नमाज पढ़ना है जिस तरह अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, तो उसमें क्या मुश्किल है? तो यही तुम भी कह रहे हैं, उस तरह सलाम पढ़ो, उस तरह दुरूद भेजो अल्लाह के नबी के ऊपर जैसे हमारे सहाबा भेजते थे। अगर उनसे हट के कोई दीन में नई मतलब वो नए तरीके से नई इजाद करके अगर कोई मेरे भाई दुरूद व सलाम भेज रहा है, तो हम तो उसको बिदत कहेंगे, या तो भाई उसकी दलील दे, या तो वो ये मान ले कि नहीं जो ये हम सलाम भेज रहे हैं ये ऐसी दुनिया समझ के भेज रहे हैं, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कहेंगे नहीं दीन में है ये, हम नबी की ताजीम करना दीन में है, नबी के ऊपर इस तरीके से मखसूस मेरे भाई इजाद करके अगर हम सलाम भेज रहे हैं तो ये दीन है, तो हम कहेंगे भाई इसकी दलील दो, क्योंकि दीन तो वही है ना जिसकी मेरे भाई दलील है, सनद है, सबूत है भाई। बेसनद कोई मेरे भाई दीन नहीं होता, और जिस दीन की कोई मेरे भाई सनद ना हो वो दीन आसमानी हो ही नहीं सकता। तो हमारा दीन तो आसमानी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपका दीन मैं आपको ये आसमानी है कहना कि चाह रहा नहीं? हूँ, आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी बात, आपके अगर आपकी बात पे आके किसी ने अमल चालू कर दिया ठीक है, मेरी बात ये में ना दलील है, दीन है। अब सहाबा के अमल को देखे, अल्लाह के नबी ने साफ साफ फरमाया था भाई, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है, हदीस नंबर 171, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक होगा कामयाबी वाला।
तो सहाबा इकराम ने पूछा वो कौन होगा कामयाबी वाला, तो अल्लाह के नबी ने पूरा उसका मेरे भाई बता दिया, मा आना अलैहि व असहाबी अल्यौम, आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस तरीके पे जो चलेगा कामयाब होगा। तो अगर हमें आज की तारीख में देखना है कि नबी के ऊपर हम लोग भाई जो सलाम है दुरूद है कैसे भेजें, फौरन हमको देखना पड़ेगा क्या, मा आना अलैहि व असहाबी, यानी कि अल्लाह के नबी क्या करते थे और अल्लाह के नबी के जो प्यारे सहाबा थे वो क्या करते थे, दोनों को देखेंगे, दोनों से जो बात साबित होगी उस पर आज की तारीख में अमल होगा, और जो इनसे हट के अमल करता है वो मेरे भाई 72 फिरकों में होगा, वो ताइफा मंसूरा में नहीं होगा, फिरकाए नाजिया में नहीं होगा। आपकी बात मैं समझ गया हूँ, अब आप ये बोलो दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा ये सवाल तो ये समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है क्या जी। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये या रसूल अल्लाह पे क्यों मना करते हो, या रसूल अल्लाह नहीं बोलना चाहिए, या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। या का माना होता है हाजिर, ठीक, और अरबी में भाई जब इसका इस्तेमाल होता है या का, ठीक है, तो ये अरबी का कायदा है कि या का जब इस्तेमाल होता है तो उसका माना होता है कि अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करना, बुलाना, मुतवज्जे करना। जैसे कि आपका नाम क्या है, अहमद, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको अपनी ओर हमको अट्रैक्ट करना है तो मैं आपसे कहूँगा या अहमद, ठीक। तो ये अरबी में किसी भी चीज को अगर मेरे भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है या उसको बताना है, मतलब उससे मतलब भाई कोई बात करना है, खिताब करना है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा या का। तो या अहमद यानी कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपको मेरे भाई खिताब कर रहा हूँ, तो ये माना इस्तेमाल होता है या का, ठीक। और आज की तारीख में जो इसका इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है मेरे भाई अल्लाह के अलावा गैब में बाकी लोगों से मदद मांगने के लिए इस अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे या रसूल अल्लाह अल मदद, या मौला अली अल मदद, या गौसे आजम अल मदद। तो ये मेरे भाई या लगा के गैब में अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना मदद के लिए, ये शिर्क है, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला ने सूरह फातिहा में कह दिया है इया कनाब्दु व इया कनस्ताइन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो जब भी मुसीबत आएगी हम कहेंगे या अल्लाह, या रहमान, इस टाइप से बुलाएंगे ना, ना कि अल्लाह को छोड़ के या नबी, या रसूल, या वली, या गौस, या फला, ये नहीं बुलाना ना। या का अरबी में कितने मायने है आपको पता है, अरबी कितनी पुरानी भाषा है, अरबी कितनी पुरानी बोली है आपको पता है, या का माना कितना कितने अरबी में, बहुत सारे या के माने। आप जाके पहले किसी अच्छा जो मेरे भाई अरबी का स्कॉलर हो उससे आप पूछिएगा, आपको वो बताएगा कि अरबी में जब भाई जो ये इस्तेमाल होता है सेगा, यानी कि भाई किसी के आगे अगर आ जाता है या, तो या का माना होता है उससे मेरे भाई खिताब करना या उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना, मुतवज्जे करना, ये दो मानों में इस्तेमाल होता है या। कहीं पे भी आप देखेंगे, अगर हदीसों में भी आता है कि या, अगर हदीसों में भी आता है या मोहम्मद, ठीक, तो इसका माना क्या होता है कि मोहम्मद की बात हो रही है, खिताब हो रहा है। यहाँ का हिंदी में होता है, यहाँ का मतलब ये होता है ना हिंदी में, क्या क्या हिंदी में क्या मतलब होता है, यहाँ का हिंदी में मतलब उर्दू में क्या मतलब। हाँ देखिए हिंदी से आप नहीं समझेंगे ना, अरबी का सीखा तो अरबी से समझेंगे। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदी में क्या मतलब होता है, हिंदी या उर्दू बता दो, उर्दू आपको उर्दू मालूम होता है, हिंदी मालूम है तो मना करो। भाई अरबी में ही पढ़ा है या, अब ऐसे हिंदी में तो आप अपने कोई भी आप उससे माना ले लो, जैसे या रसूल अल्लाह तो ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के रसूल, ये है ना, तो उर्दू का हुआ ना। हाँ तो जैसे किसको भी ऐसे बुला बुलावा तो ठीक है,
अल्लाह के अलावा हिंदी में भी? भाई मदद आप चाहे इंग्लिश में मांग लें, उर्दू में मांग लें, हिंदी में मांग लें, अरबी में मांग लें, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मदद मांगेंगे कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। तो अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से भी मेरे भाई अपनी झोली को मतलब भरवाना, और ऊपर से मेरे भाई धमकी देना कि अगर आपने झोली नहीं भरी तो मैं लौट के खाली में जाऊंगा नहीं, तो ये भी शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहु तआला कुरान में कह रहा है कि अल्लाह अगर तुमको किसी परेशानी में डाल दे, मुसीबत में डाल दे, तो अल्लाह के सिवा तुमको कोई उस परेशानी से हटा नहीं सकता। और आप कि अल्लाह को छोड़ के मेरे पे गैरुल्लाह से मदद मांग रहे। बात सुनो, एक तो है या रसूल अल्लाह, ठीक है, या रसूल अल्लाह मदद, ठीक है, तो आप तो आप या रसूल अल्लाह मदद पे बोल रहे हो, मैं यार खाली या रसूल अल्लाह पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ या रसूल अल्लाह के कह सकते। हाँ, नारेबाजी जो आजकल करते हैं आजकल के बरेलवी की, नारे मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, नारे तकबीर अल्लाह, नहीं नहीं तकबीर नहीं, क्या होता यार वो तो मैं भूल गया, नारे वो रिसालत इस टाइप से कुछ होता है, नारे या रसूल अल्लाह, तो इस टाइप से अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये सब नारेबाजी करना मेरे भाई बिल्कुल दुरुस्त भाई नहीं है। नारेबाजी से दिन हमारा नहीं चलता है, अमल से चलता है। नारे लगाओ तो अमल भी करो, ये तो मैं ही कहता हूँ, नारे लगाते हो तो अमल भी करा करो। तो हम ये कहते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, यानी कि हमारा जो अमल है अकीदा है और जो नारा है तीनों सेम है, हम अल्लाह को ही सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन बरेलवियों का क्या है, नमाज में तो पढ़ते हैं अल्लाह अकबर और नारेबाजी लगाते हैं, नारे या रसूल अल्लाह रिसालत और ये वो पता जमा, ये सब नहीं करना चाहिए भाई। नारेबाजी से माध्यम थोड़ा चला है, तो थे ना, जब मेरे पे हकीकत समझ में आई तो लात मार दिया ना बरेलवियों को। लेकिन अभी भी अकेले हो ना, कौन आप कौन से मस्जिद में जाता होगा नमाज पढ़ना, अकेले पढ़ते होगा नमाज आप? नहीं, हम तो मस्जिद में जाते हैं। पहले भी मस्जिद है? हाँ है, क्यों नहीं। वहाँ फिर फजर की नमाज में किसके बाद क्या होता है, चले जाते हैं सब, क्या कहते हैं तो दुआ होती है या दस होता है? भाई देखिए, हमारे वहाँ का जो नज्म है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आला तरीन नज्म है। आपको सिर्फ अगर अहले हदीस मस्जिद की नमाज होती है कोई चीज सुनने में आपको मिलेगी, तो सिर्फ ये दो बातें सुनने को मिलेगी कि अल्लाह ताला ये फरमाता है, अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं, बस अल्लाह अल्लाह के रसूल, इनसे हट के फला इमाम ने क्या कहा, हमारे पीर बाबा ने क्या कहा, हमारे बुजुर्ग ने क्या कहा, ये सब हम लोग मेरे भाई खत्म। अल्लाह का घर है तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात चलेगी। फजर फजर की नमाज होती है ना आपके यहाँ, तो फजर की नमाज के बाद क्या होता है, दर्द होता है कि क्या होता है? वो अलग है, सबकी मस्जिद की कमेटी होती है, वो अपना फैसला करती है कि जो मेरे भाई दर्द से होगा कुरान का वो कब होगा, तो जिसमें मेरे भाई ज्यादा लोग आते हैं जिस वक्त की नमाज में उसके बाद हम लोग रखते हैं। जैसे आम तौर पे हमारे वहाँ ईशा के बाद मेरे भाई सब लोग फारिग हो जाते हैं, तो ईशा की नमाज के बाद भाई हमारे वहाँ आधे घंटे का होता है कुरान के ऊपर दस, तो एक हम लोग आयत को हम लोग भाई पढ़ते हैं, उसका मेरे भाई तर्जुमा समझते हैं और उसका जो माना है उसको देखते हैं, और आज की दौर में ये आयत किन पे लागू हो रही है ये कैसे समझी जाएगी, ये आधे घंटे में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर उसके ऊपर बयान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई लोग काफी सारे लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं फजर की, बाकी लोग अपना अपना भाई वो चले जाते हैं, बाज लोग होते हैं बैठ के अपना अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और इशराक की नमाज पढ़ के जाते हैं अपने घर। नई मस्जिद होगी? नई नई मस्जिद होगी, ज्यादा पुरानी नहीं होगी मस्जिद, पुरानी हो गई है ये 15-20 साल से, ज्यादा से पुरानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। नहीं तो भाई नई पुरानी जगह मस्जिद तो अभी हमारे वहाँ बनने वाली है एक नई मस्जिद,
जमीन हम लोग ने खरीद पंद्रह बीस साल पहले कहा था एलआईबी कहा था एलआईबी कहीं नहीं था बहुत कम था अभी भी 2005 से थोड़ा ये मामला गर्म हुआ है एलआईबी से पहले कहा था कोई नहीं पहले भाई चांद पे था कहीं भी था आपके हिसाब से आप ऐसी बात ही कर रहे हैं कहाँ ठहरे भाई जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया जामे तिर्मिजी की हदीस है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह एक ताइफा वो हमेशा हक पे रहेगा तो हमेशा से माना क्या अल्लाह के नबी के दौर से लेके तक कयामत तक और अहले हदीस कब से हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है जब से हदीस मौजूद है तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं और जो हदीसों को मानते हैं उनको ही अहले हदीस कहते हैं आपकी दलील मजबूत है आप अगर पूरे पुख्ता हो तो और अहले हदीस अगर बाद में आए तो इमाम तिर्मिजी ठीक रहीमुल्लाह ने उन्होंने ये क्यों फरमाया इस हदीस के फौरन एकदम नीचे कि इस ताइफा से मुराद अहले हदीस है अगर अहले हदीस अभी आए 10-20-50 साल पहले तो जो हनफी मसलक की जो भाई किताब है ठीक है हनफी फिक की हिदाया शरीफ उसमें ये कहां से आ गया कि इमाम अल बुखारी रहीमुल्ला वो अहले हदीस थे तो जब अहले हदीस बाद में आए तो इनका नाम भाई पहले की मेरे पे किताबों में कहां से आ गया तो अहले हदीस लफ्ज तो वो कह सकते हैं ना पुराना है तो जमात का नाम क्या हो तो अहले हदीस जमात चलो मेरे भाई बाकी लोग तो कहते हैं कि अहले हदीस जो नाम है अंग्रेजों के दौर में आया है उससे पहले तो जो लोग वहाबी थे वहाबियों ने अपना नाम धोखे से अंग्रेजों से कहा कि हमारा नाम अहले हदीस रख दो तो अगर अहले हदीस जो ये नाम है अंग्रेजों के दौर में आया है पहली बार वजूद में तो पीरों के पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर ठीक जिलानी रहीमुल्ला जिनको आम तौर पे हमारे बरेलवी भाई कहते हैं गौसे आजम तो उन्होंने अपनी अपनी किताब गुनियतुत तालबीन की जिल्द एक सफा नंबर 166 पे ये क्यों फरमाया था कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है वो है अहले हदीस असाबुल हदीस अहले असर तो ये कहाँ से लेके आए जब अंग्रेज के दौर में अहले हदीस नाम आया है तो पहले कहाँ से मौजूद है तो इससे ये साबित होता है कि अहले हदीस अल्लाह के नबी के दौर से थे ता कयामत तक थे बस ये है अहले हदीसों की तादाद वो हमेशा से भाई थोड़ी थी और ता कयामत तक भाई वो थोड़ी ही रहेगी क्योंकि जो मेरे भाई हक होता है ना वो हमेशा भाई थोड़ा होता है कम तादाद में होता है सहाबा हमारे 313 थे और सामने वाली जो पार्टी थी मेरे भाई दुश्मनों की वो हजारों की तादाद में थी अब हम क्या कहेंगे ये नहीं ये सहाबा तो खाली 313 है जो सामने वाली पार्टी मेरे भाई वो तो सैकड़ों हजारों है तो वो लोग मेरे भाई हक पे हो गए नहीं हक हमेशा थोड़ा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस भी थोड़े हैं भाई हम जनता दल जो पार्टी है उसको थोड़ी ना देखते हैं कि कौन सी जनता ज्यादा है उसमें जाके शामिल हो जाए हम तो हक बात देखते हैं लेकिन आप लोगों का तो एक आप लोगों की एक कमी तो मैं बताना भूल ही गया हूँ आप लोग क्या करते होगे जैसे बरेली देवबंदी इनको क्या हो तुम बरगलाते हो पहले ठीक है आप आपकी बात नहीं करूँ आपका क्या अमल है वो मुझे मालूम नहीं है ठीक है मैंने जब तक जितने अहले ज्यादातर जितने अहले वादियों को देखा मैंने तो वो क्या करते हैं कि बरेलवी देवबंदी इनको बरगलाते हैं ठीक है साथ में रखते हैं बरगलाते हैं फिर वो डगमगा जाते हैं क्या वो इधर इनकी जमात में आ जाते हैं थोड़ा बहुत अमल करने लग जाते हैं क्या वो बीच में उनको छोड़ देता है तो वो ना इधर कहता है ना उधर कहता है ये मामला आप लोग क्यों करते हो भाई ये पता नहीं आप किसकी बात बता रहे हैं ठीक है हम तो सबसे कहते हैं भाई मैंने व्हाट्सएप पे भी कुरान हदीस पे अमल करो ऑटोमेटिक अहले सुन्नत अहले हदीस आप बन जाओगे अहले हदीस बनने के लिए ना आपको दोबारा कलमा पढ़ना है ना कुछ करना है सिर्फ मेरे भाई कुरान हदीस पे आना है और कुरान हदीस पे आना ईमान वाले के लिए बहुत आसान है लेकिन जो मेरे भाई अंदर से छुपे हुए भाई कपटी लोग हैं मुनाफिक हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि एक तरफ उनके बाप दादा का दीन और एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन तो बाप दादा का दीन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है
और जो बाप दादा का दीन छोड़ देता है तो अल्लाह उसको अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत दे देता है और वो आ जाता है कुरान हदीस पे। तो हम भी कह रहे हैं बाप दादा आपके क्या करते थे क्या नहीं करते थे उनका मामला अब खत्म, सबके तो मामले अल्लाह के पास हैं, सब अपना हिसाब किताब देते हैं। लोगों को इतने सालों बाद अब लोगों को होश आया कि ये गलत है, इतने सालों से कर रहे थे तो सब होश भी था उनको कि क्या कर रहे जाके कब्र पे जाके क्या कर रहे हैं, ये क्या ये सलाम कैसे पढ़ रहे हैं। अब होश आया लोगों को, 15-20 साल हुआ खाली, 20 साल से थोड़ा ये गलत है वो गलत है, सलाम गलत है, कब्र मजार पे जाना गलत है। भाई असल में आपकी जो तहकीक है ना थोड़ी कमजोर है, ये जो खड़े होके सलाम जो लोग पढ़ते हैं मकसूद तरीके से मदीना रुको के गाना गा के, इसका रद्द तो इमाम अल बुखारी रहमुल्ला ने अपने टाइम पे ही कर दिया था कि जो सहाबा थे वो कायदे में अत्तयात में अल्लाह के नबी के ऊपर सलाम भेजते थे और अत्तयात के बाद जो पढ़ते थे दुरूद इब्राहिम उसमें अल्लाह के नबी के ऊपर दुरूद भेजते थे। लेकिन अब आप लोग को नहीं मानना है तो ना मानिए, और रही बात जो आप लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह अगर आप लोग मदद के लिए कह रहे हैं तो ये शिर्क है, और ये खाली एक जगह कहना जायज है जब आप अल्लाह के नबी की जो भाई ओरिजिनल कब्र है जब वहां पे आप जाएंगे तो उसके सामने जब आप भाई अल्लाह के नबी के ऊपर सलाम भेजेंगे तब आप खाली उस सलाम की दुआ में कह सकते हैं या रसूल अल्लाह, वहाँ कहना जायज है क्योंकि वहाँ पे अल्लाह के नबी से आप सामने हैं खिताब कर रहे हैं तो वहाँ कह सकते हैं। यहाँ इतनी दूर बैठ के आप अल्लाह के नबी के ऊपर या रसूल अल्लाह तो ये नहीं, या का माना होता है हाजिर, तो अल्लाह के नबी माज अल्लाह आपके नौकर नहीं है कि जय बार आप कहेंगे ये कि हाँ या तो वो आपके सामने आ जाएंगे हाजिर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अरबी का पहले इल्म हासिल कीजिए उसके बाद भाई ये सब अल्फाज को अदा किया कीजिए। ठीक है आप, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछता हूँ ठीक है, जैसे किसी की माँ फौत हो जाती है ठीक है, माँ कोई भी अजीज माँ या कोई भी अजीज का इंतकाल हो जाता है ठीक है। अरे अगर किसी की माँ का इंतकाल हो गया है तो वो मेरे भाई अब उसकी माँ जिंदा है तो वो अपनी माँ से कह सकता है कि या अम्मा एक गिलास पानी दे दो क्योंकि उसकी माँ जिंदा है, लेकिन इंतकाल हो जाएगा उसकी माँ का तब वो कहेगा कि या माँ अल मदद या अम्मी अल मदद, तो ये हो जाएगा शिर्क, तो तब नहीं कहना है अल मदद, गैर में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना है अल्लाह के अलावा किसी से नहीं, अल मदद नहीं लगाना है खाली खाली जैसे या रसूल अल्लाह ठीक है। तो या रसूल अल्लाह सिर्फ अल्लाह के नबी के जो मेरे भाई कब्र अनवर है उसके सामने खड़े होके आप खाली एक जो सलाम है दुआ है उसमें आप खाली इस अल्फाज को कह सकते हैं। जैसे आप कब्रिस्तान जाएंगे तो कब्रिस्तान में आप कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, यानी कि सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों, तो जब आप मेरे भाई कब्र पे जाते हैं तो कब्र वालों कब्रें आपके सामने होती हैं तो आप उनसे करते हैं ना मेरे भाई खिताब करते हैं ना कब्र वालों से खिताब, तो कब्र वालों से जब भाई आप खिताब करेंगे तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, लेकिन अपने कमरे से बैठ के आप थोड़े ना बोल देंगे कि हाँ अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, यानी कि आप कब्रिस्तान पहुंचे भी नहीं कब्र आपके सामने भी नहीं है और आप अपने कमरे के अंदर बैठ के पढ़ लो, तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से या रसूल अल्लाह आप तभी कहेंगे जब आप अल्लाह के नबी की कब्र के सामने होंगे, यहाँ से अगर आप कहेंगे तो ये माना समझा जाएगा कि आप अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं और अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये शिर्क है।